वर्ष 2020 नहीं थमरा, सोने चांदी में गिरावट का सिलसिला जानी गिरते गिरते क्या हो गई। 18 अगस्त 2020 तक सोने की कीमत, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। तो चलिए जान लेते हैं 18 अगस्त 2020 में सोने चांदी की नई कीमत के बारे में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोने की कीमतों में आज भी गिरावट देखने को मिली है। आज सुबह सोना 1076 रुपए की गिरावट के साथ खुला, उसके बाद के कारोबार में भी सोना लगातार गिरता ही दिख रहा है। तो बात करते हैं 18 करेक्ट सोने की। तो 18 करेक्ट सोना प्रति 10 ग्राम 41,724 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि 1 ग्राम सोना 4,150 रुपए प्रति 1 ग्राम पर रहा। बात करते हैं 22 करेक्ट सोने की। तो 22 करेक्ट सोना 47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जो कि इसका 1 ग्राम का रेट हुआ 4,800 रुपए प्रति 1 ग्राम का इसका रेट हुआ। तो अब बात करते हैं 24 करेक्ट सोने की। जो शुद्ध और प्योर सोना होता है 99.9% शुद्ध सोना होता है। बात करते हैं 24 करेक्ट और सोना होता है तो इसका रेट रहे 50,151 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि इसका 1 ग्राम का रेट 5,100 रुपए प्रति 1 ग्राम का रहा। तो ये थे सोने के भाव। आप जान लेते हैं चांदी के रेट के बारे में। तो चांदी प्रति 1 किलो 58,000 रुपए प्रति 1 किलो पर रहा था, जो कि इसका पिछले 2-3 दिनों से लगातार इसमें भी गिरावट देखने को मिली थी, जो आज थमकर 58,000 पर ही है। कोरोना की वैक्सीन की घोषणा के बाद सोने की कीमतों में जो गिरावट आई थी वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी अगर थोड़ा सोना सुधर जाता है तो अगले ही दिन उसमें गिरावट देखने को मिलती है। अभी सोना गिरावट के साथ खुला। शुक्रवार को सोना 52,227 के स्तर पर बंद हुआ था। सोना आज नए कारोबारी सप्ताह के पहले ही दिन 50,151 के स्तर पर खुला। परेशानी की बात यह है कि सोने में गिरावट इसके बाद के कारोबार में भी बढ़ती ही जा रही है। बाजार खुलने के महज चंद मिनटों के कारोबार में ही ऐसा भी वक्त आया जब सोने ने 50,220 रुपए का उच्चतम स्तर और उसके बाद 50,113 रुपए के निम्नतम स्तर छुआ, यानी उच्चतम स्तर के भी गिरावट की भरपाई वाला नहीं रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई $2,089 प्रति औंस से 215 लुढ़ककर $1,874 पर आ गया, लेकिन सप्ताह के आखिरी में सोने का भाव 1953.60 प्रति डॉलर औंस पर बंद हुआ, जो कि इससे पहले के रिकॉर्ड स्तर काफी ऊपर है। सोने का भाव इससे पहले 2011 में 1911.60 प्रति डॉलर औस तक उछला था। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी के बीच सोने की मांग में काफी कमी आई है, जिससे आयात घटा है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि में सोने का आयात 13.16 अरब डॉलर या 19,440 करोड़ रुपए रहा था। इसी तरह चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में चांदी का आयात भी 56.5% घटकर 68.53 करोड़ डॉलर या 5,185 करोड़ रुपए रह गया। सोने और चांदी का आयात में भी कमी से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली है। तो दोस्तों ये रहे थे सर्राफा के भाव। अब जान लेते हैं डीजल और पेट्रोल के रेट के बारे में। तो क्या रेट था डीजल और पेट्रोल का, चलिए अब जानते हैं, आपको बताते हैं, आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो आज पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे की वृद्धि हुई है, जो इसकी नई रेट हुए 81 रुपए 33 पैसा प्रति 1 लीटर पर हुआ इसका नया रेट। अब बात करते हैं डीजल के बारे में। तो डीजल पर भी सरकार की तरफ से 10 पैसे की बढ़ोतरी के साथ इसका रेट खुला, जो अब 73 रुपए 10 पैसे प्रति 1 लीटर पर हो गया है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। अब नई वीडियो में फिर मिलते हैं एक और ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।